नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा रांची से आज आपसे फिर मिलने आ गई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे, सभी मंगलमय होंगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को महापर्व जितिया के बारे में बताना चाहती हूँ कि जितिया कैसे हुआ, इसकी विधि विधान पूजा कैसे होती है, कितने दिनों की पूजा होती है, साथ ही इस वर्ष 2020 में जितिया कब है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो जितिया पर्व संतानों की पर्व होती है। इसमें संतान की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए जितिया पर्व होता है। संतान की माताएं निर्जला व्रत करती हैं। इसमें 3 दिन की पर्व होती है। पहला नहाय खाय, दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन पारण। जितिया कब हुआ, जितिया किसने किया था? जितिया सबसे पहले महारानी उत्तरा देवी यानी कि उत्तरा माँ, जो अभिमन्यु जी की पत्नी थी। जितिया महाभारत के युग से ही प्रसिद्ध है और इसे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा राजा परीक्षित के लिए की थी। क्यों की थी? जब उत्तरा माँ गर्भवती थी तो महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके उनके बच्चे को गर्भ में ही मारना चाहा था। तब भगवान श्री हरि कृष्ण ने उन्हें अपने सारी शक्तियों से उन्हें बचाया था। तब से माँ उत्तरा जितिया व्रत करती है अपने संतान राजा परीक्षित के लिए। आप लोग जानते हैं कि राजा परीक्षित से ही ये दुनिया शुरुआत हुई है। तो उत्तरा माता ही इस पूजा को शुरुआत की थी जितिया महापर्व के उपलक्ष्य में। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसकी एक और कथा है जितिया यानी कि जितवाहन राजा के लिए। एक राजा थे, उनका नाम था जितवाहन। वो बहुत अच्छे राजा थे, उदार राजा थे और सभी के लिए बहुत अच्छा कार्य करते थे। वो अपने राजा ऐसे थे कि अपने गांव के लिए कुछ भी, अपने प्रजाओं के लिए कुछ भी करने को लिए तैयार थे। तो क्या होता है कि उस राज्य में एक राक्षस था, गरुड़। उस राक्षस जो गरुड़ था, वो राक्षस था, वो क्या करता था कि प्रतिदिन एक घर से एक इंसानों को वो बुलाकर उसे खाता था। तो एक दिन जब राजा भ्रमण करने के लिए निकले तो एक वृद्ध औरत रो रही थी। तब राजा जितवाहन ने उनसे पूछा कि माँ, आप रो क्यों रही हो, आप इस तरह से व्याकुल क्यों हो? उन्होंने बताया कि हमारे राज्य में एक गरुड़ राक्षस है जो हमारे बच्चों को खाने के लिए रोज़ बुलाता है। हर पारी में एक एक बच्चे को भेजा जाता है। तो आज मेरे बेटे की पारी है। तो उसने बताया कि आज मेरा एक ही पुत्र है, अगर वो भी चला जाएगा तो मैं अपना जीवन कैसे जीऊँगी। ये सारी बात था उन्होंने राजा जितवाहन को बता दी। राजा जितवाहन ने कहा कि कोई नहीं जाएगा, आज गरुड़ राक्षस के पास मैं जाऊंगा। तो वो चले गई और उसने गरुड़ राक्षस को आमंत्रित किया कि देखिए, आज आपका आहार बन के मैं आया हूँ, यानी कि जितवाहन राजा ने। उसके बाद जब गरुड़ निकला तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगा। जितवाहन राजा ने अपने आप को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा पहले पैर खाऊंगा। उन्होंने अपना पैर दे दिया। फिर उसने कहा कि मैं हाथ खाऊंगा, तो हाथ दे दिया। इससे गरुड़ राक्षस बहुत आश्चर्य हुआ कि आज तक ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। इसलिए वो उनकी इस आचरण से खुश हुए, यानी कि गरुड़ राक्षस, और उसने जितवाहन राजा से कहा कि मैं तुम्हारे ऐसे व्यवहार से, तुम्हारे ऐसे आचरण से आज खुश हुआ। मांगो, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो? तब जितवाहन राजा ने कहा, आपने इस गांव के, इस क्षेत्र के जितने बच्चों को खाया है उसे पुनः जीवित कर दें। तब गरुड़ राक्षस ने वैसा ही किया और जितवाहन राजा ने कहा कि सबको जीवित करके आप यहां से हमेशा के लिए चले जाएंगे। तब जितवाहन राजा के ऐसे करने से सभी बच्चों को उन्होंने जीवित कर दिया और वो वहां से प्रस्थान हो गए, यानी कि हमेशा के लिए चले गए। तो इसी की वजह से उन्होंने, गरुड़ राक्षस ने एक और वरदान जितवाहन राजा को दिया कि आज के बाद जो महिला तुम्हारा पूजा करेंगी,
जितवाहन राजा का, उसे संतान की प्राप्ति होगी और उसकी संतान की उम्र लंबी होगी। तो यही थी एक और कथा जिसे मैंने आपको बताया, और जितवाहन राजा के नाम से ही जितिया पर्व का नाम पड़ा है, जीवित पुत्र का नाम इसीलिए पड़ा है। साथ ही मैं एक और आपको कहानी बताती हूँ चीलों सिवार की। एक चील था और एक सियार थी, उन लोगों ने भी व्रत किया था। उन्होंने देखा अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में कि कुछ महिला जितिया पर्व कर रही हैं। तब उन्होंने उससे पूछा कि ये क्या होता है। उन महिलाओं ने उन्हें बता दिया। तब चील ने भी व्रत किया और सियार ने भी व्रत किया। ये दोनों बहनें थीं और इन दोनों ने मिलकर व्रत किया। तब व्रत में सियार को भूख लग गई तो उससे रहा नहीं गया, तो उसने क्या किया कि मांस मदिरा का सेवन कर दिया। वहीं पे चील ने अपने आप को संयम रखा और व्रत पूरा किया। वो सिर्फ एक थोड़ी सी दूध ग्रहण कर रह गई। इस तरह उसका निर्जला व्रत हो गया और उसका जितिया पूर्ण हो गया। दूसरे जन्म में दोनों बहन जन्म ली, तब उनका नाम यानी चील जो थी उनका नाम शिला था और उसका नाम कलावती था। तो शिला की शादी एक बहुत अच्छे राज्य में हुई, एक राजा से हुई, और कलावती की भी शादी एक राजा से हुई। शिला की 7 पुत्र हुए और कलावती की, जो पिछले जन्म में उन्होंने जितिया पूरा नहीं किया था, तो उनको कोई संतान नहीं थी। इससे कलावती शिला से बहुत ज़्यादा जलती थी और उन्होंने एक दिन उनके 7 पुत्रों को बुलाकर उसका सर काट दिया। इससे जब सर काट कर उसे अपने बहन के घर भेजा यानी कि शिला के घर पे, तो उसने देखा कि थाली में सिर को परोस कर भेजा गया है। उसने बिना देखे ही कह दिया कि इसे रख दो, ये जो है हम नहीं जाने, जाने राजा जितवाहन, ऐसा उन्होंने कहा था। तो जब कलावती ये सोच रही थी कि कब ये संदेश आएगा कि शिला हमारे घर में रो कर आएगी, तो देखा जब शिला उसके घर बहुत देर हो गई तो अपनी बहन के घर गई और उन्होंने देखा कि उनके 7 पुत्र फल बैठकर खा रहे हैं। जिस थाली पे उन्होंने उनका सर काट कर भेजा था, वो सारा रूप फल का ले लिया था। ऐसा क्यों हुआ? जितवाहन राजा की पूजा से हुआ। जितवाहन राजा ने मिट्टी का गोला बनाकर उनके धर से उसके सर को जोड़ दिया और रानी कलावती को पता भी नहीं चला, रानी शिलावती को, कि उनके बच्चों का सिर भी कटा था। इससे जब कलावती देखी तो वो तो आश्चर्य हो गई। उसने अपनी बहन के घर जाकर देखा तो खूब आश्चर्य हुई और वहीं पे बेहोश पड़ गई। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने सारी व्यथा अपनी बहन को बताया तो उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और कहा कि तुम भी जितिया भगवान की पूजा करोगी तो तुम्हें भी पुत्र होगा। तब से रानी कर्णावती भी कलावती भी पूजा करने लगी और उन्हें भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो ये है जितिया का महाव्रत का कथा जो मैं आपको बताना चाहती थी। इसी तरह से ये 3 कथा है जिसके वजह से जितिया का महान पर्व शुरुआत हुआ है। तो हमारे देश में इसे झारखंड राज्य, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत जोरों से मनाया जाता है। साथ ही से बिहार में भी बहुत जोरों से मनाया जाता है। इस साल 2020 में जितिया महापर्व 10 सितंबर को है, 9 सितंबर को संजत है यानी नहाय खाय, और 11 सितंबर को सूर्य उगने के बाद आप पारण कर सकते हैं। 12 बजे तक पारण करने का टाइम है। तो ये मैंने आपको जानकारी दे दी। अगले दिन मैं आप लोगों को पूरी विधि विधान बताऊंगी कि कैसे नहाय खाय दिन पूजा होती है, कैसे उपवास किया जाता है और कैसे पारण किया जाता है। जितिया की पूजा आसिन महीना में कृष्ण पक्ष में अष्टमी दिन को होती है, ये मैंने आपको जानकारी दे दी। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आज पूरा नहीं बना रही हूँ। दूसरे दिन मैं आपको जितिया की सारी विधि विधान पूजा बताऊंगी, कैसे की जाती है, कैसे क्या रखा जाता है, कैसे फूल रखा जाता है और उसमें क्या क्या चढ़ता है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक कीजिएगा, कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिएगा।
मैं शिखा मिश्रा आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। देश विदेश में जितने भी बिहार के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, इस पूजा को मेरे एपिसोड को देखें और मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए प्रणाम।